जहाँ तक राम मंदिर का प्रश्न है, तो अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में मस्जिद के नाम पर एक ईंट भी नहीं रख सकती है। राम जन्मभूमि पर फैसला आने वाला है और लोग चाहते हैं कि वहाँ पर अयोध्या में राम का ही मंदिर बने। और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो रामलीला मैदान पर की तरफ कूच कर चुके हैं। हम लोगों से ही बात करते हैं। भाई साहब, आप यहाँ से जा रहे हैं नोएडा से, क्या मकसद है वहाँ जाने का? मकसद साफ है, सभी राम भक्त और राम मंदिर निर्माण के लिए उसमें अपनी पूरी आहुति देने के लिए पूरे दिल्ली NCR और सब जगह से लोग आ रहे हैं। और हम सब राम भक्त जाते हैं कि अब की बार राम मंदिर का निर्माण करके ही मानेंगे, उसके बिना हम हिलने वाले नहीं हैं। आप ये बताइए, जिस तरीके से हर कोई चाहता है, अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, वहाँ पर क्योंकि कहीं ना कहीं वो भावनाओं से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मामला है, तो जैसा कि हम अगर हिंदू भाइयों की बात करें, मुस्लिम भाइयों की बात करें, कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि वहाँ पे मस्जिद बने, हम लोग चाहते हैं कि मंदिर बने। इस तरीके के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं जो है लोगों की भावनाएं आहत हो रही है। कई मामले ऐसे भी हुए जिसमें कई लोगों ने अपनी जान भी खोई। वहाँ पहले से ही राम मंदिर था, वहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए। पहले मुसलमानों ने वहाँ पर जो है मस्जिद निर्माण कर ली थी। हम सब लोग जितने भी हिंदू हैं, हमारी आस्था का सवाल है, वहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए। आप ये बताइए, काफ़ी ज़्यादा हॉट मुद्दा रहा है और कई सालों से राम जन्मभूमि को लेकर बहस भी होती रही है। आप लोग सब जा रहे हैं, आपको लगता है कि इस बार कोई ऐसा निर्णय आएगा जिससे कुछ आगे रास्ता साफ होगा? जनता को बहुत पूरी उम्मीद है और हमें भी पूरी उम्मीद है कि इस बार राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हमारी गवर्नमेंट मोदी सरकार के द्वारा कोई ना कोई राम मंदिर के लिए ठोस निर्णय लिया जाएगा इस मुद्दे को लेकर। इसका कहीं ना कहीं चुनाव पर असर पड़ेगा। अगर मुद्दा राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर राम मंदिर बनाया जाता है जी, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जनता की उल्लास है कि वहाँ राम मंदिर बने, लेकिन हमारे नेताओं ने जो है इसको जो है ना विडंबना बना रखी है कि हिंदू है ये मुस्लिम है। मुसलमान खुद चाह रहे हैं कि वहाँ राम मंदिर बने और इसका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेताओं ने जो है सो इसको भ्रम फैला रखा है, इधर हिंदू में उधर मुसलमान में। वहाँ की जनता सब सपोर्ट कर रही है, अयोध्या की जनता सपोर्ट कर रही है, चाहे इसके लिए मुझे मर मिटना पड़ेगा, हम राम मंदिर बना करके ही रहेंगे, ये हमारा हौसला है और हमारा हौसला बुलंद रहेगा। जैसे कि इन्होंने कहा कि मुसलमान भाई भी चाहते हैं कि वहाँ पर राम जो है मंदिर बने। यहाँ पर काफी सारे लोग हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, आप ये बताइए, क्या मकसद रहेगा आज की रामलीला मैदान पर जाने का? हर चीज शक्ति से देखी जाती है। आज हिंदुओं ने भी एकत्रित होकर एक शक्ति प्रदर्शन धर्म सभा बुलाई है और सारे हिंदू वहाँ पहुँच के अपनी शक्ति को दिखाएंगे और राम मंदिर निर्माण करेंगे। यहाँ पर आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बड़ी बात है, जैसे इन्होंने कहा कि शक्ति प्रदर्शन होगा, हिंदू वहाँ पर राम मंदिर का ही निर्माण करेंगे। अगर आपने सम्मान दिया है तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान सरकारें हैं दोनों, जो BJP की समर्थित सरकार है, अगर संविधान से ऊपर वो काम करने लगेंगी तो हमारी आस्था खत्म हो जाएगी संविधान में। तो संविधान ही नहीं रहेगा तो भारत क्या रहेगा? ये उकसाते हैं विभिन्न तरह के, कहते हैं अभी बना दो, अभी बना दो। जब सुप्रीम कोर्ट में है तो हमारे न्यायपालिका में है वो, हम तो इन पर विश्वास करें तो सही। मुस्लिम भाई, हम तो कितने हरे व्यापक सर्वत समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना। जब ये जरा भी हम BJP के कार्यकर्ता उधर प्रेरित होते हैं मुस्लिमों की तरफ, तब ये जो जातिवाद की बात हम पर मार देते हैं। बात है ये, यहाँ तो सब भगवान कणकण में है, कहाँ हमारा भगवान नहीं है? वो हमारा निर्गुण भगवान है जो मुसलमान पूछते हैं, राम जी हमारे सगुण भगवान है। बड़ी बात इन्होंने कही है कि निर्गुण भगवान और हमारे जो भगवान है, भगवान का एक ही रूप है, हर कोई अलग अलग रूप में भगवान यहाँ पर पूजे जाते हैं। हम उस बस में चलते हैं जिस बस में ये लोग जा रहे हैं। मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगी, दिल्ली रामलीला मैदान की तरफ ये लोग कूच कर चुके हैं। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप ये बताइए, रामलीला मैदान की तरफ आप जा रहे हैं, क्या मकसद है आज जाने का? हमारा राम मंदिर बनने का, इसमें ना कोई राजनीति है हमारी ना कुछ है, मंदिर हमारी आस्था है, हम हिंदू धर्म से और मंदिर ही बनना है। वहाँ कुछ न था ना होगा, सिर्फ मंदिर था और मंदिर है और मंदिर रहेगा। राम श्री राम। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं मंदिर को लेकर, क्योंकि कहीं ना
जुड़ा हुआ ये मुद्दा? हम हिंदू हैं तो हम चाहते हैं मंदिर वहीं बने, श्री राम का जन्म स्थान है अयोध्या में, तो मंदिर वहीं बने, हम उसी की मांग करने के लिए जा रहे हैं। मंदिर वहीं बनना चाहिए और बन के रहेगा। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जमावड़ा लोगों का लगा हुआ है जो रामलीला मैदान की तरफ कूच कर रहा है। कुछ और लोगों से बात कर, कुछ और बात करते हैं। ऐसा आप ये बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे राम जन्मभूमि को लेकर? मंदिर वहीं बनना चाहिए और इस चीज के प्रमाण हो चुका है पुरातत्व विभाग ने कि पहले वहाँ मंदिर था जिसको बाद में उसको तोड़ा गया है, तो मंदिर वहीं बनना चाहिए। आपको लगता है कहीं ना कहीं इसका जो असर है लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा अगर मंदिर निर्माण होता है? ये चुनाव तो अलग मुद्दा है मैडम, हम 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, उससे मंदिर वहीं बनना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का सवाल है, मंदिर वहीं बनना। कुछ और लोगों से बात करना चाहते हैं, भाई साहब आप बताइए मंदिर को लेकर क्या कहेंगे? मंदिर को कहने का सब सीधा साफ मकसद है कि मंदिर बनेगा, हम हिंदुओं का मंदिर बनेगा, मुस्लिम इसमें कुछ नहीं उखाड़ सकते और न कोई चुनाव से हमारा लेन देन है, हमारा मंदिर चाहिए बस, हमारा मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनना, राम मंदिर बनना, हमारा कोई मकसद नहीं है, हमारा चुनाव का मुद्दा अलग हो गया, हमारा मुद्दा है सिर्फ राम मंदिर बनना, जय श्री राम, जय श्री राम। और हमारा चुनाव का भी नेता होगा तो हिंदू ही होगा, हिंदू ही होगा, ये भी हमारा सीधा सीधा मकसद है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चुनाव आएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि इन्होंने कहा कि हिंदू आस्थाओं का सवाल है, चुनाव का ये मुद्दा नहीं है, हर कोई चाहता है वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो। आप देख सकते हैं मैं बस पे हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं जय श्री राम की संतरी कलर की टोपियाँ हर किसी ने पहनी हुई है, गांधी टोपी। यहाँ पर हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब आप ये बताइए, आप लोग रामलीला मैदान की तरफ कूच कर रहे हैं, क्या मकसद है आज जाने का? हम लोग तो यही चाहते हैं कि किसी भी हालत में राम मंदिर बने, क्योंकि ये प्रमाणिक सत्य है कि वहाँ पे हमारे प्रभु राम का जन्म स्थान था और वहाँ पे पहले मंदिर ही था, अब बाबर ने तोड़ के उसको मस्जिद बना ली ऊपर, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। अब मुसलमानों को भी चाहिए कि वो सपोर्ट करें, मस्जिद को कहीं और बना ले आसपास एरिया में और राम मंदिर वहीं बनेगा। कई लोग जो चाहे हम मुसलमानों की बात करें अयोध्या में, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर बने। वेरी ट्रू, वो काफ़ी सारे मुसलमान जो लोकल हैं वो चाहते हैं कि मंदिर वहीं बने, बट ये सिर्फ हमारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं जिन्होंने सदियों सैकड़ों सालों से इस मुद्दे को बढ़ाए रखा है, ये कभी समाधान करना ही नहीं चाहते, दैट्स द रीजन। तो अगर कोर्ट, हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट जल्दी से जल्दी फैसला दे, जो भी कुछ करना हो जिससे कि फर्दर हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है वो क्या डिसीजन लेती है, किसी भी तरह से राम मंदिर बनना चाहिए वहाँ पे। आप जैसे कि इन्होंने कहा कि राजनीतिक स्टैंड इसको बोला कि राजनीतिक पार्टियां हैं नहीं बनना चाहिए, कहीं आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये सही है? जी बिल्कुल सही है, और ये राजनीतिक मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए इसको, इसको सिर्फ हमारा धार्मिक आस्था का विषय है और इस विषय को हम लोग हिंदू धर्म में है तो उसको हमें और आगे बढ़ाना चाहिए। किसी की आस्था के खिलाफ नहीं है, लेकिन जहाँ पे प्रमाणिक सत्य है कि वहाँ पे श्री राम भगवान का अपने जन्म स्थान है, और ये आज से नहीं, सनातन धर्म कितना पुराना है, इस्लाम तो बहुत बाद में आया, अभी 1000-2000 साल पुराना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनको चाहिए कि ये सभी लोगों के सहयोग से मंदिर बने और उसके बाद उनको मस्जिद बनानी है तो नियर बाई एरिया में कहीं भी बना लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारी गवर्नमेंट की विल पावर स्ट्रांग होगी तभी हो पाएगा। जैसे कि इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक स्टंट भी बोलेंगे कि कोई राजनीतिक पार्टियां हैं कहीं हैं जो इस मुद्दे को आगे बढ़ना नहीं देना चाहती, हर कोई चाहता है कि वहाँ पे राम जन्म का जो भूमि है वहाँ पे राम मंदिर ही बने। जैसा कि आपने देखा था इंडियाज 18 के एक इंटरव्यू में जिसमें बीजेपी सांसद साक्षी जी महाराज ने भी कहा था कि वो वहाँ पर राम का ही मंदिर बनाकर दम लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि इतने सालों से ये जो मुद्दा है जो राम जन्मभूमि को लेकर, अब लोगों को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो रास्ता साफ होता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरीके से आज ये बस में बैठकर आप देख रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से वहाँ पर राम भक्त पहुँचेंगे और वहाँ पर राम जन्मभूमि में, जहाँ पर अयोध्या की हम बात करें, वहाँ पर राम का मंदिर
को लेकर पूरा जोर रहेगा, लोगों की आस्थाओं का सवाल है। मैं एक बार आपको नजारा दिखाना चाहूंगी उस बस का जिस पर हम ट्रैवल कर रहे हैं। अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि वो एक बार उस पूरी बस का नजारा दिखाना चाहें, दिखाएं कि किस तरीके से राम भक्त आज अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं रामलीला मैदान में एकत्रित होने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा भी बच्चा जिसको शायद ये नहीं पता राम और हिंदू मुस्लिम क्या होता है, लेकिन वो भी इस सफर में निकल चुका है राम मंदिर निर्माण के लिए। बेटा आप क्यों जा रहे हैं? राम मंदिर बनाएंगे। आपने देखा कि इन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाएंगे, शायद यहाँ पर आप देख सकते हैं हर किसी के जहन में एक ही सवाल चल रहा है और एक ही यहाँ पर उम्मीद है कि अब वहाँ पर मंदिर निर्माण का जो कार्य है वो शुरू हो। और जिस तरीके से काफ़ी सालों से एक इंतज़ार था हिंदू भाइयों को कि बहनों को सारे हिंदुस्तान को कि वहाँ पर क्या होगा, अब शायद वो रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं रामलीला मैदान की तरफ कई बसें जा रही हैं, मेरठ से ये बस आई है। देख सकते हैं कि राम भक्त आज अपनी मंजिल की तरफ निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं एक के बाद एक यहाँ पर बसें निकल रही हैं, सब रामलीला मैदान की तरफ जा रही हैं। अगर यहाँ पर हम तैयारी की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पर खड़ी हैं। हाँ आप देख सकते हैं भाई साहब कितने बजे से सुबह से खड़े हैं यहाँ? हम लोग सुबह 4 बजे से खड़ा। किस मुद्दे को लेकर खड़े हैं, क्यों वो खड़ा किया गया है? श्री राम मंदिर के बारे में कोई मजमा आ रहा है, उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, शांति के लिए, लैंड ऑर्डर का बरकरार रखने के लिए, लैंड ऑर्डर पर किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी खड़ी कर तैयार की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस भी यहाँ पर तैनात है, सुबह से पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पुलिस लगी हुई है कि किसी तरीके का जो लाइन ऑर्डर है वो खराब ना हो। आप देख सकते हैं मेरठ से ये बसें आ रही हैं, दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर हम खड़े हैं यहाँ पर। देख सकते हैं आप सुबह से आज यहाँ पर ड्यूटी पे तैनात हैं, कुछ कहना चाहेंगे? कितने बजे आ गए थे? हम तो सुबह 6 बजे आ गए थे। किस तरीके की तैयारी देखने को मिल रही है, क्योंकि आज बहुत बड़ी धर्म सभा रैली इसको कहेंगे, किस तरीके की तैयारी है? ये तो आप देख ही रहे हो, आपको दिखाई दे रही सारा। आप लोगों की तरफ से किस तरीके की तैयारी है? हमारी तरफ से तो पूरा इंतजाम है, पूरा इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं। मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगी, आप देख सकते हैं दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर हम खड़े हैं, इस तरफ दिल्ली है, आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद नज़र आ रही है, एक के बाद एक यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। देख सकते हैं गाड़ियों के नंबर नोट किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सभा वहां पर होने जा रही है रामलीला मैदान पर, दिल्ली के कोने कोने से, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग वहां पर एकत्रित हो रहे हैं। मैं एक बार नज़ारा दिखाना चाहूंगी, कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि वो पूरा नज़ारा दिखाएं। आप देख सकते हैं कि यूपी से ये बसें आ रही हैं, किसी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर में कोई दिक्कत ना आए, हर तरीके से चेकिंग उस पर की जा रही है। आप देख सकते हैं कि पूरी बसें भरी हैं। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? हम मेरठ से हैं, घाट गांव से, और हम हिंदू युवा वाहिनी से हैं, सभी कोई आरएसएस से तो आए हुए हैं। हम मंदिर के लिए, हम मंदिर को एक करना चाहते हैं, हम अयोध्या में मंदिर बनाएंगे। अगर सरकार कहती है कि कोर्ट फैसला लेगी, हम कोर्ट की नहीं मानेंगे, हम अपने बल पर बनाएंगे। तैयारी यहाँ पर लोग कर आ रखे हैं और उनका एक ही मकसद है कि राम मंदिर बने अयोध्या में। हम देख सकते हैं आप किस तरीके आप देख रहे हैं, देश के कोने कोने से ये बसें आई हैं और रामलीला मैदान की तरफ जा रही हैं। इनका एक ही मकसद है राम जन्मभूमि, जो राम की जन्मभूमि है वहाँ पर राम मंदिर बने। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अंकल ये बताइए, रामलीला मैदान की तरफ जा रहे हैं, आज क्या मकसद है वहाँ जाने का?
हमारा मकसद है धर्म संसद का, हम अपना मंदिर बनवाने के लिए जाकर के बात करेंगे गवर्नमेंट से, कहेंगे भाई इतना दिन हो गए हमारा मंदिर आज तक क्यों नहीं बना है, कई कई बार तुम मंदिर के नाम से गवर्नमेंट बना के बैठ जाते हो और हमारे मंदिर को भूल के बैठ जाते हो। आप बताइए, आप सब लोग जा रहे हैं आज बहुत बड़ा, अगर हम कहेंगे बहुत बड़ी सभा वहाँ पर होगी राम मंदिर को लेकर, कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा मकसद श्री राम मंदिर का है, अगर इस देश में राम मंदिर जो इस पूरे देश के आराध्य हैं, अगर उनके मंदिर के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है तो फिर हिंदू समाज में होने का हमें कोई अधिकार नहीं है। आप बताइए, आप आए हैं कहां से आए हैं और क्या मकसद है आज रामलीला मैदान जाने का? हम मेरठ से आए हैं जी। हमारा मकसद ये है कि अगर बीजेपी ने हमारी बात को ध्यान में नहीं सुना और रखा नहीं, मंदिर का निर्माण में कुछ विरोध आ रहा है तो उसको क्यों ना संविधान के दायरे में लाके ये लोग कानून बनाए और उस मंदिर को बनाए। अगर नहीं बनाते हैं तो हम इनको 2019 में आने वाले चुनाव में दिखा देंगे हिंदुस्तान की और हिंदुओं की शक्ति क्या है। आप ये बताइए, इसका कहीं ना कहीं असर लोकसभा इलेक्शन में पड़ेगा अगर ये फेवर में आता है पूरा मामला? मैं समझता हूँ 2019 में वैसे असर तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अभी आपने देखा राजस्थान के चुनाव में लोगों का कहना था कि वसुंधरा की खैर नहीं और मोदी से बैर नहीं, तो हमारा सब हिंदू समाज मोदी के लिए एक ऐसे सीना अड़ा के खड़ा है कि मोदी तो जरूर आएंगे 2019 में, लेकिन अगर मंदिर नहीं बनाते हैं तो फिर सोचने वाली बात हो जाएगी कि उस स्थिति में हम लोगों को क्या करना है। कोई भी पार्टी आए, कोई भी लोग आए, मंदिर बनाए, हम उसको सपोर्ट करेंगे। जैसा कि इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अगर मंदिर की बात कही कि अगर मंदिर पर कोई अड़चन आती है ना बनने पर, उसका सीधा असर 2019 के इलेक्शन पर पड़ेगा लोकसभा, क्या कहेंगे? बिल्कुल पड़ेगा 2019 के। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें अपनी सरकार में एक धर्मसभा करनी पड़ रही है जिसमें मंदिर के लिए लोग बाग पूरा हिंदू समाज इकट्ठा हो रहा है, इसका सीधा असर 2019 में देखने को मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो आप देख सकते हैं हम दिल्ली की अलग अलग बसों में हम यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं एक के बाद एक बसें यहाँ पर आ रही हैं जो रामलीला मैदान की तरफ कूच कर रही हैं, एक नहीं दो नहीं काफ़ी संख्या पर बसें यहाँ पे रामलीला मैदान की तरफ जाने के लिए रुकी हैं। आप बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम योगाचार्य सोनवीर आर्य है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति है और हमारे राम हमारे आदर्श हैं, वो हमारे ऋषि मुनि हैं, इसलिए राम मंदिर यहाँ नहीं बनेगा और कौन से देश में बनेगा जाके, क्योंकि राम जहाँ पैदा हुए राम का मंदिर भी वहीं बनना चाहिए। और उसके बाद में जो बाबर आए, ये तो थोड़े दिन पहले आए, हमारे मंदिर को तोड़ दिया, तो हमारी संस्कृति जो है वैदिक संस्कृति है, राम हमारे आदर्श हैं, तो हम राम मंदिर बनाने के लिए आज हमारे ऋषि मुनि जो साधु संत आए हैं उनके सामने हम अपनी बात रखेंगे और अपनी बात रख करके राम मंदिर बनाने के लिए संकल्प लेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। हिंदू सब जितने भी संगठन हैं सब आज एक मंच पर हैं मंदिर के लिए, और सरकार से हमारी एक ही वो है या कोर्ट से जिसने भी ये बैन लगा रखा है कि हमारा रामलला का मंदिर वहीं पर बने। आप बताइए, आज रामलीला मैदान की तरफ आप लोग जा रहे हैं, अगर डिसीजन फेवर में आता है और नहीं आता तो इस पर क्या असर पड़ेगा लोकसभा इलेक्शन? हम चुनाव के संदर्भ में साढ़े चार साल पहले जब ये वर्तमान सरकार बनी उससे अपेक्षाएं थी कि वो हिंदू मंदिर धारा 370 और समान नागरिक संहिता पर अपना स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाए जो उन्होंने चुनावी मैनिफेस्टो में था, लेकिन अभी एक भी विषय पर उनका निर्णय पूर्ण होता दिखाई नहीं दे रहा। इस कारण से सरकार को सचेत करने के लिए पूरा हिंदू समाज आज इस सभा के माध्यम से इस सरकार को आगामी चुनाव की दृष्टि से सचेत करने के उद्देश्य से वहां रामलीला मैदान पर एकत्रित होने जा रहा है। कसम राम की खाएंगे, ये तो पुराना हो चुका है, अब की बार कसम अपने माँ बाप की खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, क्योंकि राम जी तो अजर अमर है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता, वो तो अमर है, इसलिए कसम अपने माँ बाप की खाएंगे और मंदिर वही बनाएंगे, ये पक्का है। आज की सभा का कुल उद्देश्य सरकार को दबाव में लाकर सचेत करना है, क्योंकि निकट भविष्य में फिर चुनाव आ रहे हैं और जैसे हिंदू समाज ने पिछली बार समर्थन दिया तो उसके लिए हम सचेत कर रहे हैं, या तो राष्ट्र के प्रति धर्म का ये कार्य करे, मंदिर निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाए, अन्यथा ये हिंदू समाज फिर दूसरी दिशा में भी
उन्हें उतार सकता है। लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ध्यान रखा गया है। अब रामलीला मैदान की तरफ सारी बसें जा रही हैं। अभी हम दिल्ली की तरफ खड़े हैं, आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैनात यहाँ पर खड़ी है। हर एक मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है। आप देख सकते हैं रोड के किनारे पर दिल्ली पुलिस खड़ी है, हर एक व्हीकल पर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि काफ़ी संख्या पर वहाँ पर लोग एकत्रित होंगे। आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो बसें हैं वो आ रही हैं रामलीला मैदान की तरफ जाने के लिए। दिल्ली पुलिस का पूरा स्टाफ यहाँ पर खड़ा है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस कर्मचारी यहाँ पर बसों के नंबर भी नोट करते जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से ये सारा कदम उठाया जा रहा है। आपको हमने दिल्ली और यूपी बॉर्डर का नज़ारा दिखाया, जहाँ पर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद खड़ी थी। उधर भी नंबर के जो नंबर है वो नोट किए जा रहे थे, यहाँ पर भी नंबर नोट किए जा रहे हैं हर बस, क्योंकि जो बसें हैं वो उत्तर प्रदेश से आ रही हैं, अलग अलग जगहों से आ रही हैं। किसी तरीके की कोई घटना ना घटे उस पर पूरी नज़र रखी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। यहाँ पर सीनियर अधिकारी भी यहाँ पर खड़े हैं दिल्ली पुलिस के। आप देख सकते हैं कि हर चीज़ पर नज़र रखी जा रही है। सर ये बताइए, सुबह से आप लोग खड़े हैं, कितने बजे से खड़े हैं और किस तरीके की तैयारी आप लोगों की तरफ से की गई है? कहीं आपको ब्रीफ किया गया है पूरी तरीके से? सुबह 8 बजे से खड़े हुए हैं। किस तरीके से बोला गया है कि आपको ब्रीफिंग किस तरीके? कोई और कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति देखनी है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, हर तरह की सुरक्षा के लिए हम लोग तैनात हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस सुबह से खड़ी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, किसी तरीके की कोई घटना ना हो इसका पूरा इंतजाम किया गया है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बोले जा रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और हर तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस मुस्तैद खड़ी है। आप चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें यहाँ पर, और ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर खड़ी हैं ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बसें दिल्ली के बाहर से भी आ रही हैं, काफ़ी सारी बसें हैं। आज दिल्ली की सड़कों पर जाम होने की आशंका है, तो लोगों को थोड़ा परेशान इसलिए कम होना पड़ेगा क्योंकि आज संडे का दिन भी है, लेकिन जो लोग घूमने के लिए निकले हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल सकती है। मैं आपको दोबारा से नज़ारा दिखाना चाहूँगी, दिल्ली पे खड़े हैं हम और आपको दिल्ली की सड़कों का नज़ारा दिखा रहे हैं। आप जिस तरीके से रामलीला मैदान पर बहुत बड़ी और विशाल रैली का आयोजन किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठे, कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब आप ये बताइए, आप निकले हैं आज रामलीला मैदान की तरफ, कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है अब वो रास्ता साफ होगा, राम मंदिर वहाँ पर बनेगा अयोध्या। जी हम राम मंदिर जो है बना के ही रहेंगे, हमें चुनाव उनाव से कोई वो लेना देना नहीं है, हमें अपना जो है मंदिर बनाना है जो कि 70 साल से जो है क्या नाम लटका हुआ है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम जो है अपने मंदिर को बना करेंगे। बहुत बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर कही, इनको चुनावों से कोई नहीं लेना, इनका जो एक मकसद है वो सिर्फ है कि हमारा जो मंदिर है, इन्होंने कहा कि जो राम मंदिर है वो वहाँ पर बनाया जाए। कहीं ना कहीं हर किसी को उम्मीद है कि अब जो रुकावट थी वो क्लियर होगी। आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए इंडियाज़ 18। नमस्कार।